लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ एक ऐसी साजिश हुई दोस्तों, जिसका अब खुलासा खुद वायाकॉम 18 ने किया है। वायाकॉम 18 जिनके अंडर ये फिल्म थी, यानी कि लाल सिंह चड्ढा को वितरण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके द्वारा थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स का यहां पर कोई काम नहीं था। आइए स्टूडियो में आपको बताता हूं कि क्या बवाल खुलासा, एक शॉकिंग खुलासा किया है, एक अच्छी खासी फिल्म का भट्टादार बना दिया है। स्वागत है चैनल दिल्ली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बात तो हम सबको पता है कि लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ एक ऐसी बयार निकली, एक ऐसी हवा चली जिसने लाल सिंह चड्ढा को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक हफ्ता हो चुका है और फिल्म ने अभी तक 100 करोड़ भी नहीं बनाए हैं, जो कि आमिर साहब के लिए यूं चुटकियों का काम होता था। खैर, ये बात आ रही है सामने कि फिल्म को हो रहा है तगड़ा नुकसान, फिल्म को हो रहा है ये, फिल्म को हो रहा है वो। अब आपको बता दो दोस्तों, तो ये जो 30% शोज की कैंसिलिंग वाली बात है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे मांग रहे हैं इस पर, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे मांग रहे हैं इस पर, दोस्तों अजीत अधारे जो कि वायकॉम 18 के मुख्य अधिकारी संचालन है, उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी। उन्होंने साफ तौर पर इंटरव्यू देते हुए बोल दिया है कि भैया, एक लीडिंग पोर्टल ने इसके द्वारा नेगेटिविटी फैलाई और ये सब जगह पे चली गई, सब जगह चली गई। उन्होंने स्पेकुलेशंस में कुछ लिखा और उससे जो है सारी चीजें सर्वनाश हो गई। लाल सिंह चड्ढा एक बैड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का शिकार हुई है। लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ इस तरीके की एक साजिश हुई है जहां पर उनको इस तरीके से टारगेट किया गया है। दोस्तों वो कहते हैं कि भाई हम फिल्म को बेचने वाले हैं, हम फिल्म के सर्व सर्वा हैं, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हमने बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व नहीं किया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये खबर कैसे आ सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपने पैसे मांग रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अजीत सर ने इस बात की जानकारी दी है एक लीडिंग पोर्टल को, जो कि वायाकॉम 18 के कर्ता धरता है, मुख्य अधिकारी संचालन है। सो ऐसे में दोस्तों जब ये बात पता चल गई तो सचमुच में अब लग रहा है कि हाँ, वायाकॉम 18 की बात जो कि फिल्म से जुड़े हुए हैं वही मेन मुख्य चीज रखती है, बाकी तो सब चीज यार हो गया। आपको क्या है कहना इस बारे में जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। मुझे इजाजत दें।